हमास से जारी युद्ध के बीच इसराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि गाजा पर हमला तीन चरणों में होगा। पहले और दूसरे चरण में गाजा में हमास के आतंकवादियों के साथ संघर्ष होगा और फिर तीसरे चरण में गाजा इसराइल पर कब्जा करेगा। इसराइल गाजा पर कब्जा करेगा, ये जानकारी दी है। तो ये बड़ा बयान इसराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है कि तीन चरणों में हमला होगा, गाजा पर तीन चरणों में एक्शन होगा। और इसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि गाजा पर जो हमला तीन चरणों में होगा उसके मुताबिक पहले और दूसरे चरण में गाजा में हमास के आतंकवादियों के साथ संघर्ष होगा और फिर तीसरे चरण में गाजा पर कब्जा होगा। नहीं हुए थे क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद जो माहौल बना वो इजरायल और हमास की लड़ाई के बाद और गर्मा गया। ये यूं कहें कि अमेरिका और रूस ने तय कर लिया कि वो खुलकर किस देश का साथ देंगे, मतलब विश्व युद्ध की बिसात बिछती हुई दिखने लगी क्योंकि अमेरिका ने इजरायल को गाजा में घुसने की हरी झंडी दे दी, जबकि वो ये जानता है कि इजरायल के गाजा में घुसते ही ऐसा विनाश हो सकता है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की मजबूरी ये है कि वो इजरायल जैसा पक्का दोस्त गवा नहीं सकता और इसीलिए वो मुस्लिम देशों की नाराजगी की कीमत पर इजरायल के साथ खड़ा है और हमास के खात्मे में इजरायल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इजरायल और हमास की जंग में इजरायल, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देशों का खेमा तैयार हो गया, जो सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, लेबनान, ईरान, पाकिस्तान, रूस और चीन के सामने खड़े हैं। यानी अमेरिका के खिलाफ बोलने वाले देशों में मुस्लिम देश तुर्की भी शामिल है, जबकि नेटो में तुर्की अमेरिका के साथ है। लेकिन इसराइल और हमास की जंग में वो अमेरिका के दोस्त इसराइल के खिलाफ खड़ा है। हालत यह हो गई कि इसराइल ने तुर्की से अपने लोगों को निकालना तक शुरू कर दिया क्योंकि हमास के खिलाफ उसकी जंग यहूदियों और मुस्लिम देशों की जंग में बदलती दिख रही है। क्योंकि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े ईरान और सऊदी अरब के बीच सारा झगड़ा ही शिया और सुन्नी मुसलमानों का था, लेकिन जैसे ही बात इसराइल से लड़ने की आई बाजी पलट गई और ईरान और सऊदी अरब एक हो गए और अमेरिका की पश्चिम एशिया में पकड़ ढीली पड़ती दिखी, क्योंकि आज की तारीख में पश्चिम एशिया में उसका केवल एक ही दोस्त है और वो दोस्त इजराइल है, जो हर तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है क्योंकि इजराइल की सीमाएं मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन जैसे देशों से लगी हैं और ये सभी देश मुस्लिम हैं, जहां अमेरिका का किसी न किसी तरह से दखल है और यहां से वो पश्चिम एशिया में ईरान को पैर फैलाने से रोक रहा है। लेकिन हमास और इसराइल की जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि अमेरिका की पश्चिम एशिया में सालों पुरानी पकड़ कमजोर पड़ गई, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का सऊदी अरब और इसराइल को साथ लाने का प्लान फेल कर दिया और हमास से जंग के कुछ ही दिन बाद सऊदी अरब इसराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। मतलब ईरान का प्लान काम कर गया और अमेरिका का प्लान फेल हो गया। वैसे ईरान ने यह माहौल यरूशलम की अल अक्सा मस्जिद पर हमले के बाद ही बनाना शुरू कर दिया था और मुस्लिम देशों की गोलबंदी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसराइल के तीन पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इसराइल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी थी क्योंकि ये देश भी मुस्लिम देश है। इसके अलावा खाड़ी देश यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ईरान ने अपना रिश्ता सुधारा और जैसे